भारत को विश्वगुरु बना पाएंगे। और अगर इस शक्ति का हमने ध्यान नहीं रखा और विदर्भ पथ भ्रष्ट हो गई, ले जाना चाहते हैं उस दिशा में हम भारत को नहीं ले जा पाएंगे। दुर्भाग्य से क्या हुआ कि हमारे देश की जो सुनाया जाना चाहिए था वो सुनाया नहीं गया, ये देश का दुर्भाग्य है। महात्मा गांधी बकरी का दूध पीते थे और जिस बकरी का दूध पीते थे वो बकरी जिस रस्सी से बांधी जाती थी वो रस्सी तो हजार बार बताई गई, कोई बात नहीं, लेकिन जिस रस्सी से भगत सिंह को फांसी हुई वो रस्सी देश के युवाओं को नहीं बताई गई, ये देश का दुर्भाग्य है, ये देश का दुर्भाग्य। जिन लोगों ने, जिन महापुरुषों ने इस्लाम के आतंक से लेकर जो संघर्ष किया, भारत को भारत बनाकर रखा, उन महापुरुषों का भारत के इतिहास में अपमानित किया गया। गुरु गोविंद सिंह जी का इतिहास हमको पढ़ाया नहीं गया, छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य हमको पढ़ाया नहीं गया और राणा प्रताप के पराक्रम को षड्यंत्र पूर्वक भारत में अपमानित किया गया। हमारे देश पर कोई आक्रमण करे और हम कहें तू महान है, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर और हमको पढ़ना पड़ता हूँ महान है, भारत पर आक्रमण करने वाला सिकंदर जो दुनिया में हारा लेकिन हमको आज पढ़ना पड़ता, दुनिया में जीता होगा लेकिन भारत में हारा, भारत की धरती पर हारा लेकिन हमको पढ़ना पड़ता है जो जीता वो सिकंदर। एक आक्रमणकारी, एक लुटेरा, एक हत्यारा, बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाले अकबर को, भारत की पीढ़ी को आज महान पढ़ना पड़ता है। ये इतिहास में महान तो राणा प्रताप थे, छत्रपति थे और ये है अपने पूर्वजों के पराक्रम को याद रखती है, जो अपने पूर्वजों के शौर्य को याद रखती है दुनिया की कोई ताकत उसको पराजित नहीं कर सकती। और जो पीढ़ी अपने पूर्वजों के पराक्रम को भूल जाती है वो जीवन में कभी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकती। और इसलिए अभियान शुरू हुआ है ये देश की युवा पीढ़ी को अपने देश के लिए जीने का संकल्प दिलाने के लिए। और आज देश के युवाओं के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे इनके जैसे बेटे ऐसे, तब हमको बताया जाता था देश का सबसे संपन्न राज्य पंजाब, देश का सबसे उन्नत राज्य जो देश को गेहूं पूर्ति करता पंजाब, दुनिया में सारी देश से जाने वाले लोग। लेकिन आज अगर पंजाब के बारे में जाकर हम देखेंगे तो जो देश के लिए लड़ता पंजाब आज उसके ऊपर नशे में उड़ता पंजाब फिल्म बनेगी। ये आक्रमण है भारत को, ये भारत की संस्कृति पर आक्रमण। अभी मैं चार दिन पहले नूर महल में था, पंजाब में नूर भैया हरियाणा, आप देखिए ओलंपिक गेम या अन्य कोई भी खेल होते हैं तो पदक जो अपने आते हैं लगभग 60% पदक पंजाब के अपने हरियाणा के खिलाड़ी लेकर आते हैं। अगर आप पदक की सूची देखिए, अगला टारगेट